हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज इस वीडियो में हम कोम की हेल्प से कान्हा जी के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड प्रिटी शूज़ बनाने वाले हैं। बोट स्टाइल के हम ये बनाएंगे और ये बहुत इजी है बनाना और बहुत ही क्यूट लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं ये और बहुत ईजिली रेडी हो जाते हैं। कोम की हेल्प से ही हम इसको बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वूल लेंगे, अपनी चॉइस का कलर लें, लीन नीडल लेंगे एक लंबी वाली, कोम और सीजर्स। तो इस तरीके से देखिए हमने अपना पैटर्न बनाना है, जैसे मैं आपको और भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ। एक ऊपर एक नीचे करते हुए डालना है। 7 फंदे मैं डाल रही हूँ। ये जो साइज़ है 2 से 4 नंबर के कान्हा जी को ठीक आएगा। छोटा बड़ा साइज बनाते हुए आपको फंदे थोड़े कम ज़्यादा करने हैं। मैं आपको ये मीडियम साइज बता रही हूँ। स्मॉल साइज बनाएंगे तो 1-2 फंदे कम कर लें और अगर आप थोड़ा बड़ा साइज बना रहे हैं तो 1-2 फंदे बढ़ा लें। तो इस तरीके से हमने ये पैटर्न को बनाना है, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे। इस तरीके से करते हुए हम पहले 8 लाइन्स को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो ये 7 फंदे डाले हैं, यहाँ पे मैं 8 लाइन बनाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 8 लाइन जो है 8 बनाई है अपनी 7 फंदों की। और अब देखिए अब हमको क्या करना है, इस तरीके से मैं लेके आई और आगे के हमको फंदे बढ़ाने हैं एक तरीके से। तो 4 फंदे और मैं बढ़ा रही हूँ। तो देखिए 4 फंदे मैंने आगे कर लिए और अब मैं पूरी लाइन को वापस से बनाऊंगी। तो इस तरीके से लेके गई और अब हमारे कितने हो गए हैं टोटल, 7 और 4 11 फंदे हो गए हैं। अब हमको पूरे 11 फंदों को बनाना है। तो अब हम जितनी भी अपनी आगे लाइन बनाएंगे वो 11 फंदों को लेके बनाएंगे और जितने आपकी कोम में आ सके आप उतनी लाइंस को बना सकते हैं। तो देखिए ये इसका बेसिक पैटर्न मैं बता रही हूँ। आप साइज के लिए फंदों को कम ज़्यादा कर सकते हैं और एंड में हम डोरी भी डालने वाले हैं, तो अगर थोड़ा सा लूज भी लगे तो भी हम टाइट कर सकते हैं अपने कान्हा जी को। जब हमारी पूरी हो जाएंगी लाइन तो हम कट कर देंगे, अपनी पीछे की साइड से नॉट लगाएंगे अपनी वूल की लास्ट वाली और जो फ्रंट में छोड़ी थी, और नॉट लगा के हम कट कर देंगे। तो ये हमारा जो पैटर्न है वो एकदम रेडी है। अब हम इस पैटर्न को स्टिच करेंगे। तो पहले सबसे पहले नीचे से ऊपर डाला मैंने अपनी नीडल को, सब फंदों को लेते हुए हमने डालना है और फिर हमने वापस नीचे से ऊपर डालना है। तो ये भी पैटर्न स्टिच करना आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आता होगा, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ हम कभी भी कोम में जो पैटर्न बनाते हैं उसको इसी तरीके से स्टिच करते हैं। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो देखिए बहुत ईजी मेथड है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हम एक बार नीचे से ऊपर डालेंगे, दूसरी बार ऊपर से नीचे डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम नहीं हो ऐसा। और इस तरीके से देखिए हमने नीचे से ऊपर डालना है, ऊपर से नीचे डालना है और इस तरीके से हमने इस पैटर्न को स्टिच करना है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये बूट्स कैसे लगे। आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही क्यूट बूट्स बनते हैं और बहुत ईजिली बन जाते हैं। इनको बनाने में हमको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता और आप किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने अपनी जो लास्ट के 4 फंदे बढ़ाए थे उनको भी ऐसे ही स्टिच करना है। तो देखिए ये मेरी लास्ट लाइन है, इसको भी मैंने इस तरीके से स्टिच कर लिया और अब हम इसको कोम से बाहर निकालेंगे। बहुत इजीली निकल जाएगा ये, कोई भी परेशानी नहीं आती है इसको निकालते हुए।
ये हमारा पैटर्न रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से सर्कल की तरह इसको फोल्ड करेंगे और जो हमारे एक्स्ट्रा हमने 4 फंदे बढ़ाए थे उसको हम आगे की साइड इस तरीके से लेते हुए बूट की शेप देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको ज्वाइन करना है दूसरे एंड पे, तो इस तरीके से रखना है और यहाँ पे मैं स्टिच लगा दूंगी। तो इस तरीके से सबसे पहले स्टेप है इसको ज्वाइन करना। देखिए इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन करना है और फिर ये वाले पोर्शन को मुझे स्टिच कर लेना है, जो हमारा 4 फंदों वाला पोर्शन है उसको हमने अच्छे से स्टिच करना है। और अब मैंने इस तरीके से देखिए इसको प्रेस किया और ये हमारी बूट्स की शेप बन गई। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला पोर्शन स्टिच करेंगे और ये आगे का। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले मैं नीचे वाला पोर्शन स्टिच करूंगी, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, अपने जो हमारा बूट्स है उसको उल्टा कर लेंगे। उल्टे करके ही स्टिच लगाएं तो शू का लुक जो है वो ज़्यादा क्लीन रहेगा। तो इस तरीके से मैं अपनी नीडल पीछे की साइड लेके आई हूँ और मैं सबसे पहले अपना जो हमारे बूट का सोल है, सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसको मैं स्टिच कर रही हूँ। बहुत ही इजी है, देखिए आप इसको एक बार ट्राई करेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि हमको कैसे स्टिच करना है, क्योंकि ये शेप बहुत अच्छी आती है इस पैटर्न की। और इस तरीके से ये मैंने स्टिच कर लिया, तो यहाँ पे मैं नॉट लगा के कट करती हूँ वूल को और फिर मैं अब करूँगी अपना टॉप वाला पोर्शन स्टिच। यहाँ पे मेरा ये स्टिच हो गया है बेस, अब हमने करना है ये वाला पोर्शन स्टिच। तो एल शेप है हमारी, ये एल शेप हमको स्टिच करनी है। तो सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, पहले मैं ये वाला पोर्शन स्टिच करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं और क्या आप देखना चाहेंगे वो भी ज़रूर बताएं। आपकी जो ऑलरेडी रिक्वेस्टेड वीडियोस हैं मैं उनको भूल ही नहीं हूँ, बिल्कुल मैं कोशिश कर रही हूँ जिसने जो भी रिक्वेस्ट दी है कि मैं उसको पूरी कर सकूँ। तो देखिए ये हमने एल शेप अपनी स्टिच कर ली है, अब हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे और अपनी वूल को कट करेंगे। अच्छे से दो बार नॉट लगा लें और फिर अपनी वूल को कट कर लें। तो देखिए बूट हमारा एकदम रेडी है, अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। केयरफुली आप इसको सीधा करें, थोड़ा टाइट होता है ये, लेकिन आप इसको स्लो स्लो थोड़ा केयरफुली करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। और जो आगे वाला पोर्शन था बूट का उसको भी फिंगर की हेल्प से बाहर की साइड निकालें। तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया है और ये जो मेरा बूट है वो एकदम रेडी है। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कलर की वूल ली है, कॉन्ट्रास्ट में ली है, आप सेम कलर का भी ले सकते हैं या अपने चॉइस के कलर्स को ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से डालना है, देखिए नॉट नहीं लगाई है नीडल में, वूल में इस तरीके से मैंने डालना है और फिर अपने बूट के चारों तरफ इस तरीके से डोरी की तरह हम उसको बांध रहे हैं, जैसे हम अपनी डोरी लगाते हैं तो हम इस तरीके से लगा रहे हैं। और देखिए ये इस तरीके से बहुत सुंदर लगता है और हम इसको अपने कान्हाजी को जब पहनाएंगे लूज़ लगेगा तो टाइट करने के भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों को बराबर बराबर मैंने कर लिया, कट कर ली वूल को। अब हम मैं यहाँ पर एक नॉट लगाऊँगी और बो की शेप दूंगी, तो जिससे ये और सुंदर लगेगा और जब अगर हम कान्हा जी को पहनाते हुए हमको लूज लगेगा तो हम यहाँ पे उसको टाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड पकड़ते हुए बो बनानी है और इसको हम थोड़ी छोटी कर लेंगे, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा खींचेंगे,
थोड़ा टाइट करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा खींचेंगे, हमको जितने साइज़ की चाहिए उतना हम रखेंगे और बाकी एक्स्ट्रा वूल को अब मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। तो देखिए हमारा जो ये बूट है एकदम रेडी है। तो इसी तरीके से मैंने अपने दोनों बूट्स कान्हा जी के लिए रेडी कर लिए हैं। बहुत ही क्यूट बने हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और कोई सजेशंस हो तो वो भी ज़रूर बताएं।